रहे हैं कि एक तरफ महामारी से लोग झेल रहे हैं, लोगों के ऊपर पहले से ही आर्थिक बोझ है, ऊपर से ये मोदी सरकार अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जब पेट्रोल डीजल की कीमतें घट रही है तो हमारे हिंदुस्तान में ये भारत की सरकार डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ा करके दुगुनी महंगाई की मार आम जनता के ऊपर डाल रही है। ये निश्चित तौर पर ये दूसरा महामारी है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी राष्ट्रीय स्तर पर इसका विरोध कर रही है। आज राज्य के पैमाने पर विरोध दिवस मनाया गया, पूरे देश के अंतर्गत ये कार्यक्रम हो रहा है और हम ये मांग करते हैं कि अविलंब सरकार डीजल पेट्रोल की कीमत वापस ले और 22 रुपये डीजल का कीमत निर्धारित